बिलासपुर में 1600 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड बनाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक कलेक्टर के आदेश पर खाद्य नियंत्रक द्वारा फर्जी राशन कार्ड बनाने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की जांच में ठेकेदार ऑपरेटर सद्दाम खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अभी इस पूरे मामले में जांच जारी है। जैसे ही जांच पूरी होती है दोषी पाए जाने वाले खाद्य विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर बने फर्जी राशन कार्ड के जरिए गरीबों को दिए जाने वाले राशन में भी हेरफेर की गई होगी। क्या इसमें उपभोक्ता भंडार के संचालक भी शामिल हैं? इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही? बड़ा सवाल। कार्यकर इस संबंध में हमने पता साझी की। तकनीकी माध्यमों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो सद्दाम जो तालापारा में जिसके परिवार के सदस्य जो अन्य हैं वो खाद्य वितरण प्रणाली की दुकानें भी संचालित करती है, उनके द्वारा इस 1613 जो एंट्री है उनकी फर्जी तरीके से मेल का आईडी और पासवर्ड चुराकर उन्होंने एंट्री की थी, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर। शैलेंद्र पाठक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, गरीबों के निवाले पर भी डाका डाला जा रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की है? वो केवल एक ऑपरेटर को पकड़ के कार्रवाई की है अभी, खाना प्रतीक है अभी। इसमें चूंकि जो जिम्मेदार अधिकारी जिनका पूर्व में ट्रांसफर हो गया है, के सुभवार और एक नरेंद्र पग्गा, ये दो इसमें अधिकारी थे, खाद्य निरीक्षक थे, सहायक खाद्य निरीक्षक, इसमें इन लोगों की भूमिका संदिग्ध थी। और बाद में इसमें खाद्य विभाग ने इस मामले में शिकायत फरियाद शैलेंद्र, जब इनकी भूमिका संदिग्ध थी तो इनके खिलाफ सिर्फ एक ऑपरेटर को पकड़ लेना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना तो उचित नहीं है, क्योंकि तमाम चीजें हर पहलू सामने नहीं आएगा। इन दोनों अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? मामले में जो आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ विवेचन अधिकारी कलीम खान जुड़ गए हैं। कलीम साहब, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी मैडम, धन्यवाद। आप विवेचना कर रहे हैं फर्जी राशन कार्डों को लेकर, कहाँ तक आपकी विवेचना पहुँची कलीम जी? मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ जी। जो 1600 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं उसमें आपने एक ऑपरेटर को पकड़ा है, तो अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये विवेचना आपकी कहाँ तक पहुँची? कलीम साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मैडम आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है, फिर से बोलिए आप। सर, ऐसा तो नहीं कि आवाज मिल रही है और आप सुनना नहीं चाह रहे हो? क्या बोल रहे हैं? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ बताइए। हाँ, क्या है? आपकी विवेचना कहाँ तक पहुँची? 1600 फर्जी राशन कार्ड के मामले में आपने एक ऑपरेटर को पकड़ा है, विवेचना कहाँ तक पहुँची आपकी? हमारी विवेचना के दौरान जो अनधिकृत तौर पे जिसने डाटा एंट्री की थी उस व्यक्ति को हमने पकड़ के हमने न्यायिक रिमांड से भेज दिया। दो दिनों तक पुलिस रिमांड में पूछताछ करने के बाद आरोपी को हमने न्यायिक रिमांड में भेज दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र पाठक भी जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र, जिन दो अधिकारियों का आप जिक्र कर रहे थे, जरा उनके बारे में कलीम साहब को बताइए, फिर उसके बाद मैं कलीम साहब से सवाल करूंगी। मामले में जो कलेक्टर के निर्देश के बाद FIR हुई है, लेकिन उस अधिकारियों के जो क्योंकि खाद्य विभाग में और भी अधिकारी उसकी विवेचना जैसे कि जांच अधिकारी विवेचना अधिकारी की नहीं कहीं कहना है, पुलिस विभाग का कि जांच अभी जारी है और ये संदेह के दायरे में भी इनसे पूछते होगी तो इनकी भी गिरफ्तारी कब होगी ये अभी तय नहीं। कलीम साहब, दो जो अधिकारी हैं जो संदिग्ध के घेरे में है, जैसा कि आपका स्टेटमेंट भी है, मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं, उनकी भूमिका क्योंकि संदिग्ध मानी जा रही है, उनके खिलाफ क्या कुछ सबूत आपके हाथ लगे अब तक? मैडम, जिन अधिकारियों के संबंध में आपके बारे आपके द्वारा बात बताया जा रहा है, इस संबंध में कहीं भी विवेचना के हमारे जो बिंदु है, हमारे पास 1613 जो अनधिकृत तौर पे जिस जो डाटा एंट्री थी उस संबंधित FIR पे आया था। हमारे पास अभी जिस 1613 के संबंध में जो आरोपी था उसके उसने किस कहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से किस तरीके से उसने एंट्री की थी, किस मोबाइल के माध्यम से की थी, किस लैपटॉप के माध्यम से की थी, हमने वो तकनीकी माध्यम से तकनीकी साक्ष्य के आधार पे हमारी टीम ने उस पे विवेचना के दौरान उस आरोपी को पकड़ाया। अब रही बात जो दो आपके अधिकारियों के बारे में, आप मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मेरे संज्ञान में आ रही है कि इनका कोई अधिकारियों का नाम है, यदि इस तरीके की कोई बात होगी तो वो उनके आंतरिक मामला होगा। मेरी पुलिस की विवेचना में अभी तक किसी अधिकारियों की संलिप्तता हम चाहेंगे कलीम साहब, क्योंकि आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, विवेचना अधिकारी हैं, निष्पक्ष जांच की जाएगी तो जो बड़ी मछलियां हैं वो भी हाथ लगेंगी और बड़े घोटाले का भी खुलासा होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गुड।